हेलो गाइस, तो अभी जो है हमारे घर पे अर्थ क्वेक आ रहा है। पूरा पूरा घर हमारा गड़ 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 गड़। हमारे घर पे दिन में कम से कम 6 बार अर्थ क्वेक आता है। अब छट दे सारी नाराजगी, तू अब आ जा मेरे पास। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू डिंपल मलन व्लॉग्स। और सुबह सुबह देखो, मैं फर्स्ट फ्लोर पे खड़ी हूँ। बहुत तेज धूप है, सुबह ही इतनी तेज धूप है और शोर भी बहुत आ रहा है। आप देख रहे हो आसपास ये मॉल बन रहे हैं, ये तो हमारे ही पेड़ हैं इतने लंबे। और इतना शोर आता है, इतनी डस्ट आती है कि क्या ही बताऊँ। सारा दिन सफाई करवाते करवाते ही निकल जाता है। मैं हूँ अभी अभिषेक के गेमिंग रूम में और इसका हाल आप देख रहे हो क्या हो रहा है। सब कुछ बिखरा पड़ा है, पता क्यों? क्योंकि ये जो पीछे मॉल बन रहा है ना, तो जब इसमें ड्रिलिंग होती है तो इतनी तेज़ आवाज़ आती है, वाइब्रेशन की इतनी तेज़ आवाज़ आती है, तो उसके इम्पैक्ट से ना हमारे घर में पूरे में क्रैक्स आ गए हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कहाँ हुआ? अभिषेक के गेमिंग रूम में। ये देख रहे हो कितने क्रैक आए हैं। ये ऊपर भी ऐसे ही हैं और यहाँ पे तो मतलब पूरा 2 पार्ट ही हो गए थे, बिल्कुल अलग अलग ही हो गए थे। ऐसे लग रहा था कि ये गिर जाएगा, तो अभी ये रिपेयर हो रहा है, इसलिए सारा सामान पूरा ये बिखरा पड़ा है। वो यहाँ पे है नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले सबसे इसका ही रूम करवाते हैं, उसके बाद बाकी करवाएंगे। और फर्स्ट फ्लोर के ये दूसरे रूम में ये देखो, ये टिल्लू की कार है, तब से ऐसे ही पड़ी है क्योंकि वो आया ही नहीं। एक बार आया था, मैंने बोला प्रेरणा को कि ये ले जा, तो कहती है उधर भी पड़ी है, यहाँ भी पड़ी रहने दो, जब आएगा तो खेल लेगा। तो उसको हम बुलाते रहते हैं, आजा आजा आजा, लेकिन सब बिजी हैं, किसी के पास टाइम नहीं है। गर्मी के सबसे ज़्यादा मज़े तो मेरे पति देव के हैं। क्या मस्त एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, मज़े में बैठे हुए हैं। आपको तो गर्मी की कोई वो नहीं है ना, गर्मी तो नहीं लगती ना आपको? भाई पहले तबीयत ख़राब हो चुकी गर्मी की वजह से, अब क्या करूँ, इसीलिए ये नाजुक कली एक दिन गर्मी में निकले और तबीयत खराब करा के बैठे हुए हैं। 103 फीवर, ऊपर से लूज मोशन, डिहाइड्रेशन, इतना बुरा हाल हुआ, तो अब ये फुल ऑन रेस्ट कर रहे हैं। पर फिर भी कह रहे हैं खाने, मैंने मूली के पराठे ही हैं, तो खाने में अब मैं इनके लिए बना रही हूँ मूली के पराठे और निश्चय और मैं खाएंगे गोभी के साथ रोटी। अभी बनानी है मैंने गोभी, ये देखो काट के रखी हुई है, और ये रायता डालूंगी, ये घिया मैंने बॉईल करके रखी हुई है, घिया का रायता डालेंगे क्योंकि गर्मी में घिया का रायता ठंडा होता है, तो इसलिए ज़रूर खाना चाहिए। पहले मलन साहब को देते हैं रोटी मूली वाली, ये मूली कद्दूकस करी हुई है क्योंकि उनको पराठे खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब तक अभी गोभी बन रही है, मैं आपको अपने किचन की नई कलेक्शन दिखाऊँ। ये देखो कितने क्यूटू से, कितने सुंदर से डिब्बे हैं 2, और ये 3 का सेट। ये मैंने नहीं खरीदे, ये मुझे भेजे हैं हरियाणा से, यमुनानगर से तेजस्विनी ने। और भी बहुत सारा सामान भेजा है उसने, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेरे को पसंद है ना, ये चीज़ें, क्योंकि ये मेरे काम की चीज़ें हैं। थैंक यू तेजस्विनी। ओए चांद आ गया, उग गया चांद मेरा। चांद वो देखो, चांद आया मेरे। यस यार, मम्मी वाटरमेलन मत दिया करो। क्यों भाई? अब बहुत इसमें सीड से निकालने की बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ओए होए 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 होए, दांत बड़े चीटे चीटे लग रहे हैं। वो अब्बू के, सच में अब्बू के मिस्ट्री बॉक्स में इलेक्ट्रिक ब्रश निकला था ना, हाँ। आजकल वो यूज कर रहा हूँ, तो उससे चिट्टे हो रहे हैं। अरे सच में हो रहे हैं? उससे पता कैसे होता है, ऐसा लगता है कि जब तुम डेंटिस्ट के पास जाते हो, वो क्लीनिंग नहीं करते दांतों की, तो ऐसा लग रहा है वही हो रही है। अच्छा, उसको मैं उससे भी नॉर्मल ब्रश ही करता हूँ, बस वो साथ में वाइब्रेट होता रहता है ना, तो वो और ज्यादा ऐसे दांतों की लगता है और क्लीनिंग हो रही है। मैं भी कर लूँ? आप भी ले लो, आपके लिए मंगा दो इलेक्ट्रिक ब्रश, या एक और मिस्ट्री बॉक्स खोल लेते हैं। पापा की दवाई ठीक है? हाँ, पहले से बेटर है। ये बस इनका आजकल यही है, सारा दिन फोन सामने, टीवी सामने, ये टीवी और
उधर न्यूज देखते रहेंगे, यहाँ पे इंस्टाग्राम और न्यूज तो वैसे लगी रहती है, मतलब न्यूज चलती रहती है और यहाँ फोन पे इंस्टाग्राम रीले और यूट्यूब वीडियोस और तीसरा स्टॉक्स। हाँ जी पापा, कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है? अब भैया कर रखा है, बार बार नहीं करते। नहीं, कोई जो देख रहे हैं उनको फाइनेंस की कोई टिप देना चाहोगे? तेरे भाई को दी थी टाटा पावर, बोला था 190-95 पे, आज 450 रुपए है। 70-80-100 रुपए पे बोला था टीटागढ़ वैगन, आज वो 1500 रुपए पे है। और क्या टिप होती है? तो एक आप चैनल क्यों नहीं खोल लेता ये शेयर मार्केट के टिप्स? हाँ खोल दे वैसे। ये शेयर बाजार उनके लिए नहीं जो चाहते रातों रात अमीर बन जाए। हाँ। ये उनके लिए जो लॉन्ग इन्वेस्टर है। तो वही तो कह रही हूँ ना, आप भी एक वो बन जाओ ना टिप्स देने के यूट्यूबर। हाँ टाटा हाँ? स्टील में अब इन्वेस्ट करो, आने वाले 4-5 साल में सोना ही सोना है। लोगों को लगेगा ये स्पॉन्सर है। ना भाई, कोई स्पॉन्सर नहीं है, ये फ्री की ज्ञान की, फ्री का ज्ञान है, कोई मेरे कहीं पे मत चलना। क्योंकि ये हमारे जो पिताजी है, ये पूरे दिन सामने भी देख लो वही खुला हुआ है, CNBC फाइनेंस आवाज पूरे दिन उस पे, वही फाइनेंस का यहाँ फोन पे, फोन पे भी अपने तो मन की बता रहे हैं बस। तो इनकी टिप पर मत जाना, भला भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, अपने दिमाग से कर लेना, करना अपने दिमाग से। बट पापा की हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। पापा की इंट्यूशन हमेशा काफी वर्क करी है। बता जिसको मुंबई जाना है और बेचारा नहीं जाना है। वो तो जब भी जाना होता तो कहते है नहीं जाना, पर फिर भी जाना पड़ता है, इतनी गर्मी है, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हाय बेचारा, कितना सैड हो रहा है, खाना भी मिस करेगा है ना, घर का खाना नहीं मिलेगा। मेरे को बाहर का खाना खाया हुआ कितना टाइम हो गया, खाता ही नहीं मैं। आपकी आवाज इधर भी, आपकी आवाज उधर भी, पापा अंदर आपकी वीडियो देख रहे हैं। टाइम पास ही उनका यही होता है ना। मैं तो YouTube वीडियोस हम बनाते हैं इसलिए ताकि पापा एंटरटेन हो, पापा के टाइम पास हो जाए। सही बात है। खाना खा के निश्चय चला गया ऊपर अपना, कुछ उसको करना था शूट। वो 2-3 दिन पहले हम जो लेके आए थे वैक्यूम क्लीनर, वो अभी तक हमने यूज़ नहीं करा क्योंकि उसका एक पार्ट मिसिंग था। फिर हमने कंपनी में फ़ोन करा, उन्होंने हमें वो भेजा है अब, और ये आए हैं अभी कंपनी से, ये इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे इसको यूज़ करना। और सबसे पहले तो मैं कारपेट साफ़ करूँगी, सोफ़े साफ़ करूँगी क्योंकि बहुत गंदे हो रहे हैं, झाड़ू से साफ़ ही नहीं होते। तो वैक्यूम क्लीनर यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे फिक्स हो गया, साफ़ करके दिखा रहे हैं ये, और इससे पता चल रहा है कि कितना साफ़ होता है। ये देखना कितना ज़्यादा डस्ट है इसमें, पूरा भर गया, ये तो दिन पूरा भर गया। 20 minutes later। हेलो गाइस, तो अभी जो है हमारे घर पे अर्थ को एक आ रहा है, पूरा घर हमारा गड़गड़ ये पीछे बिल्डिंग ये जो AIPL की बन रही है, इसमें कुछ वो करते हैं पत्नी, एकदम ही वो भर सी भरम। और ये हमारे घर पे दिन में कम से कम 6 बार अर्थ को एक आता है। सही बात है, ऐसे लगता है कि पूरा घर हिल गया, कसम से बैठो तो पूरा टेबल वाइब्रेट हो रहा होता है। तो ये पीछे जो कंस्ट्रक्शन चल रही है ना, इसमें ये कुछ अंडरग्राउंड में पता नहीं क्या, कोई तो मशीन ऐसी चलाते हैं जिससे पूरे एरिया में जो डर कर रहा होता है। हमारे घर में क्रैक आ गए, अब्बू का तो गेमिंग रूम का हाल ही अलग हो गया है, पूरा गेमिंग रूम ही, उसमें क्रैक्स आ गए पूरे रूम में अब्बू के। क्रैक आने तो दूर है, वो तो पूरे जैसे ये बनी है ना वेव्स, वो सारी टूट गई है। आपके भी कमरे में इस दीवार पे क्रैक है वैसे, दो क्रैक है, एक ये भाई ये वोटिंग वाला निशान ही नहीं जा रहा मेरे। ये देख यहाँ पे कितने क्रैक है, ये सारे बहुत विजिबल है, सारे क्रैक ही क्रैक हो। 2 महीने भी नहीं हुए मम्मी अभी पूरे इस घर में शिफ्ट हुए। सही बात है। पर भाई एक चीज देखो ना, अगर अर्थक्वेक आता है, एंड मैं मजाक नहीं कर रहा, कम से कम 4 से 5 रिक्टर स्केल का तो एटलीस्ट होगा, इतना तो होता है, मतलब करके पूरा सब कुछ हिल रहा होता है भाई, इतना भयंकर होता है। तो अल्टीमेटली है तो ये सीमेंट ही ना। हाँ। तो वो उसमें ऐसा ना हो कि मेरे को तो यही डर लगता है। मम्मी को बोल भी रहा था, मम्मी
किस दिन ऐसा ना हो हम खाना खाने बैठे और ऊपर से छत ही नहीं चाह रहा है। थोड़ा आ रहा है ये इस बिल्डिंग बन रही है आईपीएल की, इनकी वजह से आ रहा है। ये जमीन में कुछ खोते हैं जो ऊपर से नीचे फेंकते हैं जिसकी वजह से कांपने लग जाती है सारी बिल्डिंग। नहीं वो अंडरग्राउंड कोई तो इनकी वो मशीन है जो चलाते हैं। अभी भी आ रहा था, अभी ठीक है। दिन में 6 बार तो एटलीस्ट आता है। नए घर का उद्घाटन हो गया, 2 महीने भी नहीं हुए उद्घाटन हो गया। क्या दिक्कत है? आपका घर अंबुजा सीमेंट से नहीं बना होगा। हाँ, ये बात सही है। अब पूछना पड़ेगा कि कौन सा सीमेंट लगाया उन्होंने। पापा अंबुजा सीमेंट, दीवारों को रखे स्ट्रॉन्ग। हमारी दीवारें बिल्कुल स्ट्रॉन्ग। टंग टंग टंग। 5 बज चुके और निश्चय की रात की फ्लाइट है, अभी तक पैकिंग नहीं हुई है। नीचे पता नहीं क्या करी जा रहा है, पहले उसको बुला के लाऊं। लाइट तो जिम की ऑन है, जिम में कौन है? ओके 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 ओके। ये बैठा है यहाँ पे, यहाँ क्या कर रहा है क्या? तेरी फ्लाइट है, तूने जाना नहीं है? अभी तक पैकिंग नहीं करी? आजा अब पैकिंग तो कर ले, फिर मैं अपनी पसंद के कपड़े डाल दूंगी तो तेरे को पसंद नहीं आएंगे। ओ, ऐसा कभी हुआ है? हाँ तो आ जाना फिर, कि मैं कर दूं? नहीं नहीं मैं आता हूँ, मैं साथ बैठ के आपके कर, आप ही करना। हाँ तो वो तो मैं ही करूँगी ऑब्वियस। एक बार पूल में जाना तो चलेगा। कल मैंने 1.5 घंटा जिम और 1 घंटा स्विमिंग कर ली। हाँ। मेरा लग रहा है 1 महीने का तो हो गया है अब जिम में। अच्छा अब तू जाएगा मुंबई तो वहाँ पे तेरे को पूल नहीं मिलेगा घर का। हाँ यार ये बात तो सच है। अब चले ऊपर पैकिंग। हाँ। बैग पैक कर दो, चलो चलो आओ चले। रेडी? एवर रेडी। बैग के साथ रेडी ना। चलो भाई निकल। चलो भाई ये तो बताओ कहाँ जा रहे हो आप? चलो मैनेजर साहब ये लो बैग। अरे मैनेजर साहब मैनेजर खुद मैनेजर अपना भी पकड़ाएगी। नहीं नहीं वो भी पकड़ाएगी, कहेगी आप ही पकड़ो मेरा बैग। मेरे डबल साइज का बैग है मेरा। ये इतना बड़ा बैग लेके आई, पापा कहते हैं ये किसका बैग है? पर आपने मेरी बात अंडरस्टैंड करी ना कि मैं क्यों लेकर आई। हाँ। आप समझ सकते हो लड़कियों का सामान डबल होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सारे घर के शीशे ही तोड़ देने हैं इसने। हाँ। जहाँ देखो बाल ही सेट करता रहता है ये। हे, हे। निकले फिर अशर करते हैं ना ऐसे। बस वैसे ही कर रहा है तू भी। ये जैकेट रह गई, ये भी ले जाऊं? ले लो, क्या करेगा। ओके निश्चय चला गया, अभिषेक घर पे है नहीं, बस रह गए हम दो प्राणी। बस अब खाना बनाएंगे, अपना खाएंगे और सो जाएंगे। सुबह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट बाय। मर जाऊं मैं तेरे बिन यारा, खो जाऊं।